हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में यामाहा के PSR E473 के साथ। तो हम जो इस वीडियो में इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं इस कीबोर्ड का, हम इसमें देखेंगे कि इसके टोन्स में कैसी क्वालिटी है। बहुत सारे टोन्स को हम यहाँ प्ले करके देखेंगे और इसके रिदम भी हम प्ले करेंगे। साथ में मैं आपको इसका फीचर्स भी बताऊँगा। बहुत ही नए और बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ ये कीबोर्ड आता है, तो आप ये वीडियो अच्छे से देखते रहिए। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा आप अच्छे से देखेंगे ना तो इसे आपको वैल्यू मिलेगी आपको इस वीडियो से, है ना। तो आप अच्छे से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि ये जो मैं आपको प्ले करके दिखाने वाला हूँ, अभी जो मैं टोन्स प्ले करूँगा, सॉन्ग्स प्ले करूँगा इस वीडियो में, तो वो तो पक्के से यूट्यूब में कॉपीराइट होने वाली है ना। तो इससे मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे इस वीडियो से, पर आप लोगों को सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिलेगी इस वीडियो में। इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा टोन्स की कैसे क्वालिटी रहती है, अगर हम 18-20 हज़ार के जो रेंज में जो कीबोर्ड लेने वाले हैं। तो आप भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहिए। हम भी आप लोगों के लिए ऐसी वैल्यूएबल वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका टोन्स जो है वो देखेंगे कि क्या क्या टोन्स इसमें दिए हुए हैं, क्वालिटी कैसे है इसकी टोन्स की, है ना। तो हम कुछ सॉन्ग्स प्ले करके देखेंगे अलग अलग पियानो के टोन्स पे। सबसे पहले हम पियानो से चालू करेंगे। यहाँ पे अगर ऊपर में देखिए, ये वाला जो टोन्स का जो पैनल दिया हुआ है ना, टोन्स पैनल, उसमें फर्स्ट नंबर पे पियानो एंड पॉप लिखा हुआ है। तो अगर हम पियानो पे जाते हैं, ऊपर वाले टोन्स के हैं, नीचे वाले जो है रिदम के दिए हुए हैं, ठीक है। तो पियानो फर्स्ट नंबर पे आप जाएंगे, सबसे पहले आएगा ग्रैंड पियानो। देखो बहुत ही प्यारा साउंड है इसका, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कुछ सॉन्ग्स इसमें। आप ना बहुत ही अच्छे से सुनना है इसको, पूरे वीडियो देखना तो आपको समझ आएगा कि इसकी क्या क्या खासियत है। बहुत ही महंगे कीबोर्ड वाले फीचर्स इसमें दिए हैं, टोन्स भी बहुत अच्छे हैं। देखिए ग्रैंड पियानो में कबीर सिंह का गाना प्ले करते हैं, है ना, तुझे कितना चाहने लगे हम। देखिए तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा जो लेफ्ट हैंड में कॉर्ड्स प्ले हो रहे थे वो आरपीजियोस के कॉर्ड्स थे। तो अगर आपको अच्छे से पियानो सीखना है तो आप हमारे प्री रिकॉर्डिंग कोर्सेज ले सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा कोर्स है आपके सीखने के लिए, आप घर बैठे सीख सकते हैं अच्छे से। और हमारी लाइव क्लासेस भी होती है, अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो लाइव क्लासेस के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करना होगा, वहाँ आप पूछ सकते हैं। ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और हमारा एक बुक है पियानो जीरो से हीरो, वो तो आप ज़रूर लीजिए, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक थ्योरी दिया हुआ है उसमें, आपको कहीं नहीं मिलेगा वैसा बुक, हिंदी पे लिखा हुआ है ना। तो आप उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है उसकी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ओके, एक सॉन्ग ना कुछ थोड़ा सा और प्ले करके देखते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इसका टोन्स। एक वो तेरा चेहरा जब नज़र आया जो अदनान समी का गाना है ना, वो मैं प्ले करता हूँ। देखिए
बहुत ही अच्छा साउंड है। ठीक है, आगे जाते हैं, क्या टोन है देखते हैं। और यहाँ पे हमें ऑक्टा पियानो भी दिया हुआ है, देखिए। चलिए इसमें कुछ टोन प्ले करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है ब्राइट पियानो। अब ब्राइट पियानो का यहाँ पे साउंड देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हाफ सी। ठीक है, इस तरीके से हाफ सी का टोन। हाफ सी है, अब है ऑक्टा हाफ सी, ऑक्टा पियानो हाफ सी का मिक्स। ठीक है, ये वाला के बाद है हैंकी टोंक। मिडी ग्रैंड, देखिए बहुत ही प्यारा साउंड है। चलिए कोई सॉन्ग करके देखते हैं, इसमें सॉफ्ट सॉन्ग बहुत ही अच्छा लग रहा है ना सुनने में, इसलिए देखिए। उसके बाद एक ना 3P80 करके दिए है, देखते हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके का टोन है, पियानो स्ट्रिंग। आगे पियानो और पैड,
देखिए तेरी दीवानी वाला फिर से प्ले करते हैं इसमें। ये पियानो पैड फ्रेंड, इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर आप महंगे कीबोर्ड अगर यूज़ किए होंगे या करेंगे अगर, तो ना थोड़ा सा ना आवाज़ तो ठीक है इसका, तो ये जो कीज़ की क्वालिटी है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इसमें हार्ड लगती है मुझे प्ले करने में। जैसे मेरा कॉर्ग का कीबोर्ड है बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब ऐसा प्ले करेंगे ना, प्रेस करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा आपको, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ता वहाँ पर। और इसको ना जैसे प्रेस करोगे ना तो वापस थोड़ा सा झटके से छोड़ता है ये, है ना, वो नहीं मिलेगा आपको अगर आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे। टोन्स नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन टोन्स मुझे सिर्फ यामाहा का इस रेंज के कीबोर्ड में पियानो का पसंद आता है, मेरे एक्सपीरियंस से पूछोगे तो। बाकी टोन्स को अगर मैं अपने कॉर्ग के साथ कंपेयर करूँगा तो नो डाउट वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो चलिए आगे सुनते हैं इसमें। देखिए इसमें बहुत सारे आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे, मोशन इफेक्ट वगैरह। अगर आप नॉर्मल प्ले कर रहे हैं तो इस तरीके से साउंड आएगा, इसको थोड़ा हार्ड प्रेस करेंगे, ज़ोर से प्रेस करेंगे तो साउंड बदल जाएगा। देखिए मैं कुछ गाना प्ले करते हैं, बदल गया। अब देखिए करना, जैसे बहुत सारे ऐसे दिए हुए इसमें। देखिए अलग अलग बदलते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाते जाएंगे तो। तो फ्रेंड्स इसमें ये सब पियानो का टोन था। मैं एक बार ना आपको ग्रैंड पियानो में फिर से एक बार दूसरा सॉन्ग सुनाता हूँ, नहीं मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे यामाहा का जो ग्रैंड पियानो। देखिए एक सॉन्ग ठीक है, ये सब यामाहा के पियानो का टोन है। आगे हम दूसरे भी देखते हैं, ऑर्गन्स है, गिटार है, स्ट्रिंग है, बहुत सारे टोन्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे, है ना। देखते रहिए आप, वीडियो में बने रहिए।